सिटी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ आस्था सिन्हा। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पीटर थाना पुलिस पर थर्ड डिग्री टॉर्चर का लगा है आरोप। अवैध शराब मामले में गिरफ्तार आरोपी के परिजनों ने दिया बयान, कहा पुलिस ने थाने में की है जमकर पिटाई, पूरे शरीर में दिख रहे हैं जख्म के निशान। गांवा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला वीडियो हुआ है वायरल। भतीजी की हत्या करने वाले आरोपी के साथ हुई थी मॉब लिंचिंग। घायल अवस्था में गिरफ्तारी के बाद चल रहा था उसका इलाज, इलाज के दौरान हो गई थी मौत। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भाजपाइयों में है खासा उत्साह। जिला अध्यक्ष विधायक आदि ने बैठक कर तैयार की कार्यक्रम की रूपरेखा। इधर सांसद अन्नपूर्णा देवी ने भी बैठक कर बनाई रणनीति। आगामी 20 और 23 को होगा मुख्यमंत्री का गिरिडीह में कार्यक्रम। और सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में आयोजित हुआ जिला स्तरीय विज्ञान सेमिनार। बाल वैज्ञानिकों ने मनवाया अपनी प्रतिभा का लोहा। बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। उत्साह से भरे दिखे बच्चे। पुलिस पर एक आरोपी के साथ थर्ड डिग्री टॉर्चर करने का आरोप लगा है। शुक्रवार को आरोपी राजेश कुमार साव को कोर्ट में पेश किया गया, जहां परिजनों ने बताया कि राजेश के साथ थाने में जमकर मारपीट की गई है। गिरिडीह में एक बार फिर पुलिस का क्रूर चेहरा सामने आया है। इस बार आरोप लगा है पीरटांड थाना पुलिस पर। असल में पुलिस ने अवैध शराब बेचने के आरोप में चिरकी निवासी राजेश कुमार साव को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को जब उसे कोर्ट में पेश किया गया तो आरोपी युवक चलने के काबिल भी नहीं था। बताया गया कि उसे थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया है। युवक के जिस्म पर जगह जगह गंभीर चोट के निशान पाए गए। आरोपी के परिजनों और उसके वकील का कहना है कि पुलिस ने इसे गंभीर यातनाएं दी है, जिससे इसकी स्थिति काफी नाजुक है। इधर इतने गंभीर जख्म के बावजूद गिरिडीह सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने भी इसे सामान्य मरीज की तरह चार गोलियां देकर छोड़ दिया। कल रात में डुमरी होटल से हमको पकड़ा गया, पकड़ के लाया थाना। उसके बाद थाना में पिलर से दोनों हाथ पकड़ के टांग दिया दो आदमी, और पीछे पूरा मारा, फिर लेटा दिया जमीन पर। दो आदमी हाथ पकड़ा, दो आदमी पैर पकड़ा। उसके बाद थाना पर भूपेंद्र कुमार राय लाठी से पूरा मारा, पीछे हाथ में मारा, इधर मारा, इधर मारा, इधर फाइट से मारा। चलो चलो, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। कहाँ रहते हैं? चिरकी। हमारे मुवक्किल हैं, इनका नाम राजेश कुमार है, चिरकी के निवासी हैं। उनको शराब के आरोप में वहाँ के थाना प्रभारी उपेंद्र कुमार राय ने पकड़ा, और ये मानवाधिकार का सरासर उल्लंघन है कि उनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया थाने में। उन्हें कमर में, माथे में, पीठ में, मैंने इतना दरिंदगी की गई, इतना पिटाई किया गया कि देख करके मानवता शर्मसार हो जाए। और जब यहाँ कोर्ट परिसर में लाया गया, उसके पहले मेडिकल कराया जाता है सदर अस्पताल में, तो डॉक्टर साहब जो हैं, रवि महर्षि नाम है शायद उनका, उन्होंने मात्र चार पैरासीटामोल लिख करके अपना पल्ला झाड़ लिया। जब हम चार वकील वहाँ गए भी थे पता करने के लिए, तो पता चला ओपीडी बंद करके डॉक्टर साहब कहीं निकल गए हैं। इस बात को हम लोगों ने मजिस्ट्रेट साहब के पास भी रखा है, और जो राजेश कुमार जो हैं, जो इसमें अभियुक्त हैं, उन्होंने भी बात रखा है मजिस्ट्रेट साहब के पास। उन्होंने इसमें संज्ञान लेने की बात कही है, और सो काउज उन्होंने कहा है कि थाना प्रभारी को भेजेंगे। इस पर हम लोग देख रहे हैं, हम लोग प्रशासन से मांग भी करते हैं कि ऐसे जो बर्बरतापूर्ण जो अधिकारी हैं उनके साथ उन्हें सस्पेंड किया जाए, कार्रवाई की जाए उन पर। धन्यवाद। क्या मामला था? तो मामला ये सब लोग बताएंगे कि सब जो पुलिस जो गड़बड़ की है, इस तरह किसी भी अभियुक्त के प्रति नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ा पुलिस ने अपना कानून को हाथ में लिया है। इस पुलिस प्रशासन जो आपके पीटांग के थाना प्रभारी को तुरंत निलंबित होना चाहिए, उसको नौकरी से तुरंत डिस्चार्ज भी करना चाहिए, क्योंकि इस तरह रवैया यदि अगर किसी भी अभियुक्त के प्रति रहे तो मानवाधिकार का नियम नहीं बनता है कि किसी को मार देना, किसी को काफ़ी पिटाई करना, ये सिस्टम कानून में कहीं नहीं है। ठीक है, वैसा यदि अगर था तो इसके लिए जांच पड़ताल होना चाहिए था, उसके लिए
बहुत विधि व्यवस्था कानून बना है, यही इतना ही मैं कहना। बहरहाल इस मामले में अभी पुलिस का बयान उपलब्ध नहीं हो पाया है, लेकिन अगर आरोप सही है तो वास्तव में पुलिस का यह क्रूर चेहरा है जिस पर अंकुश की सख्त दरकार है। गांवों में पिछले दिनों एक बच्ची का निशंक हत्या उसके चाचा ने कर दी थी। उस घटना से जुड़ा एक वीडियो शुक्रवार को वायरल हुआ है। वायरल वीडियो के मुताबिक आरोपी युवक की ग्रामीणों ने जमकर पिटाई की थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गांवा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला वीडियो वायरल हुआ है। दरअसल पिछले दिनों गांवा थाना क्षेत्र में एक शराबी युवक ने घरेलू विवाद की वजह से अपनी सगी भतीजी को मार डाला था। बाद में घायल अवस्था में पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद आरोपी युवक की मौत इलाज के दौरान हो गई थी। हालांकि इस मामले में आरोपी के साथ ग्रामीणों के द्वारा पिटाई की बात सामने आ रही थी, लेकिन थाना प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार ने भीड़ की पिटाई से इनकार करते हुए कहा था कि भागने के क्रम में आरोपी युवक पहाड़ी से गिर गया था, जिससे वह घायल हुआ था। लेकिन अब वीडियो वायरल होते ही पुलिस का झूठ सामने आ गया है। भीड़ ने आरोपी दिलचंद रजवार की जमकर पिटाई की थी, जिससे वह घायल हुआ था। हालांकि एक बच्चे के हत्यारे से किसी को सहानुभूति नहीं है, फिर भी यह सवाल उठना जायज है कि आखिर पुलिस ने इस सच पर पर्दा क्यों डाला था। वक्त रहते अगर इस बात का खुलासा होता तो आरोपी युवक का समय पर इलाज हो जाता और वह मौत के मुंह में नहीं समाता, ताकि उसे उसके किए की सजा मिल पाती। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज, गिरिडीह। नगर निगम की टीम ने शुक्रवार को वार्ड 23 और 24 में जल समस्या के निदान के लिए निरीक्षण किया। इसके बाद आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के प्लांट में जाकर कचरा प्रबंधन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मौके पर मेयर, नगर आयुक्त समेत अन्य कई संबंधित लोग मौजूद रहे। वार्ड नंबर 23 और 24 में जल संकट की शिकायत बार बार नगर निगम को मिल रही थी। इसी सूचना के आलोक में शुक्रवार को महापौर सुनील पासवान, नगर आयुक्त अनिल कुमार रॉय आदि ने नगर टीम के साथ कोलडीहा पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान स्थानीय वार्ड पार्षद कमल सिंह से भी इसकी जानकारी ली गई। बताया गया कि सप्लाई सिस्टम में अतिरिक्त 4-5 पाइप जोड़ने से काफी हद तक समस्या का समाधान हो जाएगा, जिसके लिए साई कंस्ट्रक्शन को निर्देश दिया जा रहा है। यहां से निकलकर महापौर और नगर आयुक्त पहुंचे झिंझरी मोहल्ला, जहां कचरा प्रबंधन प्लांट का इन्होंने निरीक्षण किया और कचरा जमा करने से आसपास के लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए आकांक्षा वेस्ट मैनेजमेंट के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बताया गया कि जल्द ही कचरे को प्लांट में डालकर इसका निस्तारण कराया जाएगा। यहाँ इनके साथ वार्ड पार्षद कमल सिंह, मोतीलाल उपाध्याय, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अशोक रजक आदि लोग उपस्थित थे। नंबर 23 के कोलडीहा के ग्रामीणों के द्वारा बार बार आया जाता था और बताया जाता था कि किसे पानी की समस्या है, कुछ 4-5 पाइप के द्वारा। तो आज हम अपने नगर आयुक्त के साथ कहे कि विजिट कर लेते हैं, विजिट करके देखने के बाद जो भी समस्याएं आएगी उसको निदान किया जाएगा। तो उसी क्रम में आज हम लोग निकले थे, तो आज वहाँ से मुझे लगता है कि किसे 4-5 पाइप जोड़ देने से वहाँ पेयजल की समस्या 23 नंबर वार्ड को और 24 नंबर का अलग अलग पानी जब जाने लगेगा तो दोनों वार्ड के लोग कंप्लेन करना छोड़ देंगे और ये समस्या से निजात मिलेगा। तो जैसा कि बताया है कि साई कंट्रेक्शन वीडियो के माध्यम से कर रहा है, उसको जल्द ही उस कार्य को पूरा किया जाएगा। इधर जो आज हम लोग सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत जो इस कार्य को देखने के लिए आए हैं, झिंझरी मोहल्ला के लोग, वार्ड नंबर 18 के वासी लोग बराबर प्रदर्शन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन की, डंप जमा हो गया, बीमारियां फैल रही है, बरसात के दिनों में दुर्गंध हो रहा है। तो उसके चलते हम लोगों ने देखा कि ये प्लांट जब तक चालू नहीं हो जाता है तब तक वहां से हम कचरा का निष्पादन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज हम लोगों ने इस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निरीक्षण करने के लिए आया कि प्लांट कब तक बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ के आकांक्षा के अधिकारियों का कहना है कि एक महीना, विदिन एक महीना के अंदर ये प्लांट
पूर्णतः चालू हो जाएगा। एक महीना प्लांट चालू होते ही सारा जो कचरा, जिससे कि किसी झिंझरी मोहल्ला वासी को परेशानी हो रही है, सारा कचरा यहाँ डंप करके इसको डिस्पोजल कर दिया जाएगा और उससे बचा हुआ वेस्ट मटेरियल जो है उसके बाद हमारा मोतीलोदे में वो जो बन के तैयार है प्लांट वहाँ जा करके डिस्पोज होगा। लिया हुआ उसको ले आवेंगे यहाँ और इस प्रोसेस में प्रोसेसिंग करके अपना काम उसका खत्म कर देंगे। सारा काम के बाद जो अवशिष्ट बच जाएगा इसको ये मोती लेला में जो फिलिंग सेंटर है वहाँ पर जमा करेंगे। इस स्कीम का CTO भी हो गया है 2-3 दिन पहले। अब लगभग ये जो है पूर्णतः समझिए कि ये हर तरह से कंप्लीट हो गया है। अब इनका कहना है कि 1 महीने में ये चालू हो जाएगा। सर कितने गाड़ियाँ अभी आकांक्षा का चल रहा है? गाड़ी इनके पास 49 गाड़ी थी, जिसमें कुछ गाड़ियाँ इनकी ख़राब थी। मैंने जब इनसे ये बात इनके संज्ञान में लाया तो फिर इन्होंने गाड़ी बनवाया है। अभी 17 गाड़ी इन्होंने फिर बनवा लिया है और टोटल 29 गाड़ी अभी इनका चल रहा है, यही ना है। तो 36 वार्ड है, 29 और गाड़ी बनाएंगे। कुछ गाड़ी इनका आया है उसमें क्या टेक्निकल डिफेक्ट है, उसमें हम लोग बोले थे कि टाटा कंपनी को भी इनके जो PMC है उसने लेटर लिखा है, उसका मोबाइल रिपेयरिंग करने वाला जो है टीम वो आने वाला है, वो उसको ठीक करेगा तो फिर सारी गाड़ियाँ चालू हो। मुख्यमंत्री रघुवर दास आगामी 20 और 23 अक्टूबर को गिरिडीह आएंगे, इसको लेकर भाजपाइयों में खासा उत्साह है। शुक्रवार को परिसदन भवन में जिला अध्यक्ष, 17 विधायक समेत अन्य भाजपाइयों ने बैठक कर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति तैयार की। आगामी 20 और 23 अक्टूबर को मुख्यमंत्री रघुवर दास का गिरिडीह में कार्यक्रम है, इसी को लेकर भाजपाई जी जान से जुटे हुए हैं। शुक्रवार को परिसदन भवन में जिला अध्यक्ष सुनील अग्रवाल की अध्यक्षता में इसी मुद्दे पर एक बैठक की गई और कार्यक्रम को सफल रूप देने की रणनीति तैयार की गई। बैठक में विधायक निर्भय सहबादी, OBC प्रकोष्ठ के प्रदेश महामंत्री सुनील साहू, मेयर सुनील पासवान, उप मेयर प्रकाश सेठ, अशोक उपाध्याय, सुखदेव साहू, जिला महामंत्री देवराज आदि लोग उपस्थित थे। बताया गया कि 20 अक्टूबर को झंडा मैदान में लाभुक समितियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री के हाथों योजनाओं के तहत लाभुकों को कई तरह की सौगात दी जाएगी। इसके बाद 23 अक्टूबर को जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा, जिसमें बोड़ो हवाई अड्डा से लेकर पूरा शहरी क्षेत्र और बाद में पीरटांड तक अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तमाम कार्यक्रमों के लिए भाजपाइयों ने अपनी ताकत झोंक दी है, अब कार्यक्रम बेहद सफल हो इस पर फोकस किया जा रहा है। पार्टी द्वारा निर्देशित प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 मुख्य बिंदुओं को हम लोगों ने आप लोग के समक्ष, आपके माध्यम से जनता के समक्ष रखने का काम किया। पहली बात तो यह है कि हमारे जो घोषणा पत्र, जिसको हम लोगों ने संकल्प पत्र नाम दिया है, जनता के बीच से जन भावनाओं के अनुरूप बनाने के लिए, एक एक लोगों को सर्वहारी बनाने के लिए, उसके लिए हम लोगों ने क्या प्रयास किया है, उसके लिए हम लोगों ने विस्तार से हमारे अध्यक्ष जी ने बताने का काम किया और भी बताएंगे। लेकिन साथ ही हम लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्यक्रमों की झड़ी लगी। 20 तारीख को हमारे गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र में लाभुक का सम्मेलन होना है झंडा मैदान में, और वहीं 23 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी की जोहार जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ हो रहा है, उसकी तैयारी निमित्त हम लोगों ने विस्तार से बताया है। और आपके माध्यम से हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि जो, और लाभुकों से अपील करना चाहते हैं कि 20 तारीख को बड़ी संख्या में झंडा मैदान पहुंचे और 23 तारीख को पूरे जो जोहार यात्रा है उसके तहत में सब लोग मिल करके माननीय मुख्यमंत्री जी, विकास पुरुष जिसने दिखाया है विकास की करण को, झारखंड को नाम ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया, उनको अगुवाई करने का काम करें, उनका स्वागत करने का काम करें। झारखंड बनाने के अंतर्गत 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश ने अपने संकल्प पत्र में 3,19,00,000 जनता का सीधा सुझाव लेने का प्रयास कर रही है।
विभिन्न माध्यमों से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समाज के सभी वर्गों के बीच जा रहे हैं और उनके माध्यम से लिए गए सुझाव संकलित कर इस चुनाव का सबसे बृहद कर सकते हैं कि इस प्रदेश का सबसे बृहद सुझाव यह इस संकल्प पत्र में होगा और उसी के आधार पर हम पंचवर्षीय योजना 5 साल का निर्माण करेंगे और संकल्प लेने का जो माध्यम हमारा है उसमें सर्वप्रथम मिस्ड कॉल के माध्यम से हम उनका सुझाव ले रहे हैं और सुझाव पेटी हर मंडल पर रखकर जगह जगह पर सभी कस्बे बाजार में सुझाव पेटी रखकर उनके माध्यम से हम सुझाव आम जनता का ले रहे हैं। कुछ वेबसाइट तैयार किए गए हैं उनके माध्यम से सुझाव ले रहे हैं। कमल दूत जो हमारे हर पंचायत में साइकिल के माध्यम से घूम रहे हैं उनके द्वारा भी मिस्ड कॉल कर हम आम जनता का सुझाव अपने यहाँ संकल्पित कर रहे हैं और हम कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में बहुत बृहद पैमाने पर हम आम जनता का सुझाव लेकर हम अपना संकल्प पत्र तैयार करेंगे और जनता के बीच में हम जाने का काम करेंगे। समाज जो इस देश का बहुत बड़ा समाज है इस समाज को दूसरे दूसरे दल के लोग अक्सर गुमराह करने का प्रयास करते हैं, इन्हें बांटने का प्रयास करते हैं। सच्चाई यही है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कोई भी दूसरा दल ओबीसी समाज के लिए आज तक कुछ नहीं किया। पहली बार माननीय मोदी जी के प्रयास से पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सारा विपक्षी दल मिलकर यह भी नहीं चाहते थे कि पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा मिले, लेकिन मोदी जी ने एक बार नहीं दो दो बार बिल लाया तब जाकर के पिछड़ा समाज को पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। उसी प्रकार से झारखंड में भी पिछड़ा समाज के जो गरीब बच्चे हैं जो आर्थिक संकट के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे तो गरीब बच्चे ओबीसी समाज के गरीब बच्चे भी उच्च शिक्षा को प्राप्त करें इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी ने बिना गारंटी का 7.5 लाख रुपया तक एजुकेशन लोन देने का प्रावधान दिया। आज बैंक जो है ओबीसी समाज के गरीब बच्चों को 7.5 लाख रुपया तक बिना गारंटी का लोन दे रही है, शिक्षा लोन दे रही है। तो हम धन्यवाद करना चाहते हैं रघुवर सरकार को, धन्यवाद करना चाहते हैं मोदी सरकार को और आभार प्रकट करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के दोनों सरकार के प्रति कि इन लोगों ने पिछड़ा समाज के दुख दर्द को समझा है। धन्यवाद। सुनील साहू, प्रदेश महामंत्री, भाजपा ओबीसी मोर्चा, झारखंड प्रदेश। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी अपने सहयोगियों के साथ नया सर्किट भवन में शुक्रवार को एक बैठक की। मौके पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को सफल बनाने पर विचार विमर्श किया गया। कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी भी मुख्यमंत्री के गिरिडीह आगमन को लेकर बेहद उत्साहित है और कार्यक्रम के सफलता को लेकर रणनीति तैयार कर रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को नया सर्किट हाउस में सांसद अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रणव वर्मा, पार्टी नेता लक्ष्मण स्वर्णकार, सरजू गोप, दिनेश यादव, सुनील यादव, उमा चरण साहू आदि लोगों ने बैठक कर विचार विमर्श किया। बताया गया कि मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है और इसके लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। पार्टी नेता भी अपने स्तर से लगे हुए हैं और कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। आज माननीय विधायक और सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी लोग उपस्थित थे और जो 20 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम है 20 और 23 को, इसी को लेकर विस्तृत चर्चा हुई किस तरह से कार्यक्रम को हम सफल बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति हो और इसके लिए तय किया जा रहा था और साथ ही साथ कार्यक्रम का प्रारूप क्या हो, कहाँ से शुरू होगा, ये सब बारे में चर्चाएं हो रही थी और ये कार्यक्रम को सफल बनाने में सभी लोग लगे हुए हैं और लोगों की ये चाहत भी है, लोग स्वतः भी कार्यक्रम है इसको लेके सभी जाति समाज और सभी वर्ग के लोग उपस्थित हो रहे हैं
आपने देखा कि कल भी बहुत सारे लोग बेंगाबाद में भी पार्टी दूसरे माले झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड विकास मोर्चा को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और 20 तारीख का भी जो कार्यक्रम है तो 20 तारीख को भी जमुआ में बहुत सारे लोग विभिन्न दल को छोड़कर शामिल हो रहे हैं और जो 23 को होगा उसमें भी रहेंगे उसी की तैयारी को लेकर सभी लोग। पुलिस विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद शुक्रवार को पुलिस लाइन और मुफस्सिल थाने में कार्यक्रम आयोजित कर स्थानांतरित हुए एसडीपीओ जीत वाहन उराव को भावभीनी विदाई दी गई। वहीं गिरिडीह में पदस्थापित नए पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। पुलिस विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग के बाद शुक्रवार को पुलिस लाइन में स्वागत सह विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में सदर अनुमंडल पदाधिकारी का पदभार ग्रहण करने वाले आईपीएस कुमार गौरव व डीएसपी मुख्यालय वन का पदभार ग्रहण करने वाले डीएसपी विनोद कुमार रवानी का स्वागत किया गया। इधर निवर्तमान एसडीपीओ जीत वाहन उराव को मुफस्सिल थाना में भी एक कार्यक्रम आयोजित कर भावभीनी विदाई दी गई। मौके पर जीत वाहन उराव ने कहा कि 3 वर्ष कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला, यहाँ के लोगों का उन्हें भरपूर सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि यहाँ बिताया गया पल अविस्मरणीय रहेगा। कार्यक्रम को जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, सीसीएल परियोजना पदाधिकारी लक्ष्मीकांत महापात्र, थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर, मोहम्मद फरीद, असद उल्लाह, राजेश वर्मा आदि उपस्थित थे। हमारे पत्रकार बंधु, हमारे सभी यहाँ के पुलिस पदाधिकारी और आरक्षी भाई, और यह जो कोई यहाँ किसी पर आते हैं उनको उसी प्रक्रिया से फिर जब भी कभी कहीं कोई भीड़ या कोई रोड जाम हुआ, कुछ पैसा मसला आए थे तो हमारे सबसे इधर एसडीपीओ में भी मौका मिला आपके गिरिडीह में, मैंने सब कुछ देखने का, चाहे वो क्राइम हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे रोड जाम हो, यहाँ आपके यहाँ बड़ी घटनाएं सीसीएम में हो गई हमारे पास, हम लोग का तो सारा कुछ आराम हो गया था, लेकिन भगवान की दुआ और आप लोग का सहयोग, आप सभी का सहयोग, मीडिया का, सभी लोगों का, आप चाहते तो दूसरा दिन मेरा मतलब निकालना बंद कर सकते थे, मीडिया कर सकती थी, सभी लोग, लेकिन यही है एक अच्छा मतलब समाज का, ये मैंने समय लगता है कल का दिन भी घटनाएं होंगी, पुलिस फुल एफर्ट से काम करना चाहती है, कभी भी कोई मर्डर हुआ कुछ भी हुआ तो पुलिस को क्या लगता है कि उसके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सारी चीज उनसे पूछी जाएगी, अदर और किसी से नहीं, कि क्या कर रहा है हमसे पूछी जाएगी, इनसे जो भी रहेंगे इंस्पेक्टर साहब रहेंगे जो भी रहेंगे, इसीलिए पुलिस पूरी तन्मयता के साथ काम करती है और करेगी। हाँ, आपसी संबंध और बाकी चीजें थोड़ा थोड़ा बीच में कभी होता है कि हाँ किसी का व्यवहार ऐसा है वैसा है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, ये समाज एक पॉजिटिव वे में, एक अच्छी दिशा में, सभी मुखिया का, सभी और हमारे आना चाहिए, सभी पुलिस पदाधिकारीगण, नागरिक बंधु, प्रेस बंधु, जिला परिषद के उपाध्यक्ष पासवान, मुझे यहाँ 1 साल हुआ और 1 साल में मैं जितवाहन साहब के काफ़ी करीब से देखा और काम करने का स्टाइल भी देखा, तो हमको बहुत मदद करते हैं। हम जो यहाँ सीसीएल में 2 माइन चला रहे हैं उसमें इलीगल माइनिंग हो, कोयला का चोरी हो, वो हमेशा प्रोएक्टिव होके पहले हम लोग से बोलते थे कि भाई आपके यहाँ ये हो रहा है, आप ट्रैक्टर भेजिए, आप जेसीबी भेजिए, हम लोग उनको इन्फॉर्म करने से पहले वो खुद ही अपना एक्शन लिए और उस एक्शन से कुछ लोगों को परेशानी भी होती, जैसे अभी हमारे साहब बताए कि भाई जो अपराधी है उसको काफ़ी परेशानी होती,
हम ये नहीं बोलेंगे कि उनका हाथ है नाक पर, लेकिन हम अक्सर ये देखते हैं कि बहुत अच्छा काम करने वाला आदमी को बहुत दिन तक, तो ये एक हमारा ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है आप लोगों को हो या नहीं हो, लेकिन हम अक्सर देखते हैं 100% अपना ड्यूटी को अपना पूजा समझ के, इबादत समझ के करता है, उसके साथ थोड़ा थोड़ा सरचेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में शुक्रवार को एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। विधिवत रूप से उद्घाटन के बाद यहां विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने अपने विज्ञान कौशल का बखूबी प्रदर्शन किया। सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय के सभागार में जिला स्तरीय विद्यार्थी विज्ञान सेमिनार का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन जिला शिक्षा पदाधिकारी के निर्देशन में किया गया था। इस सेमिनार का विषय था रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी का मानव कल्याण पर प्रभाव। इस विषय को लेकर जिले भर के उच्च विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग 8 से 10 तक के छात्र छात्राओं ने अपने प्रदर्शन के साथ भाग लिया। कुल 96 बाल वैज्ञानिकों ने इसमें अपनी प्रतिभा के साथ हिस्सा लिया। प्रत्येक विद्यालय से 2 प्रतिभागी उपस्थित थे। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला शिक्षा पदाधिकारी सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक और प्रतिभागी बाल वैज्ञानिकों के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। मौके पर बाल वैज्ञानिकों ने आकर्षक चार्ट पेपर मॉडल के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज की और यह बताने का प्रयास किया कि रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी का मानव कल्याण पर क्या प्रभाव है। यहाँ बतौर निर्णायक के एन शाही, हेमंत कोल्हे, रविकांत चौधरी, विकास भंडारी, विजय कुमार दास और BNS DAV के शिक्षक KL देशमुख अपना योगदान दे रहे थे। कार्यक्रम के मूल्यांकन में विषय वस्तु की प्रस्तुति, भाषण तीव्रता, लिखित परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और प्रदर्शनों का प्रयोग के कई मापदंड अपनाए गए। निर्णायक मंडली के संयुक्त परिणाम के आधार पर +2 KB हाई स्कूल डुमरी की राधिका कुमारी को प्रथम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जमुआ के अनिता कुमारी को द्वितीय और मकतपुर उच्च विद्यालय गिरिडीह के अमित कुमार यादव को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ। इन विजेताओं को जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक, निर्णायक मंडली सहित शिक्षक मुन्ना प्रसाद कुशवाहा के हाथों प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। हम रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी मानव कल्याण का प्रभाव बताने जा रहे हैं। आवर्त सारणी का रासायनिक तत्वों के संगठन और विन्यास के लिए मदद की गई है, जिसे आवर्त सारणी कहते हैं। आवर्त सारणी का खोज मेंडेलीन ने किया है, मेंडेलीन ने किया विद्यार्थी विज्ञान सेमिनार का आयोजन सर जेसी बोस विद्यालय के इस सभागार में आयोजित की गई है। इस विद्यालय में इस आयोजन में हमारे जिले के सभी विद्यालयों के उच्च विद्यालयों के बच्चे, जो विषय वस्तु दी गई थी आवर्त सारणी और उसके उपयोगिता महत्व के विषय को लेकर, उसमें जो तत्व समावेश है उस पर ये सेमिनार है। इसमें ये बच्चे भाग ले रहे हैं और हमारे निर्णायक के रूप में जो लोग हैं, हमारे विद्वान शिक्षक, वो निर्णय लेंगे। इसमें जो चयनित होंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इनका राज्य स्तर पर भी सेमिनार होगा और पुनः फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी सेमिनार होगा। इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, खास करके जो बच्चे आते हैं उसके अंदर जो प्रतिभा है, जिनको एक मंच नहीं मिलता, सरकार की ओर से ऐसे कार्यक्रम उनको मंच प्रदान करता है और उनकी छिपी हुई प्रतिभा को आगे ले जाने में मददगार साबित होता है। पंचायत सचिव संघ अपनी मांगों के साथ लगातार 18वें दिन भी आंदोलन में रहा। इस दौरान पंचायत सचिवों ने सत्ताधारी दल के विधायकों के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया और विधायक को ज्ञापन सौंपा। राज्य इकाई के आह्वान पर गिरिडीह में भी पंचायत सचिवों का हड़ताल शुक्रवार को 18वें दिन भी जारी रहा। बताया गया कि 9 सूत्री मांगों को लेकर आहूति इस आंदोलन को लेकर पंचायत सचिवों ने राज्य भर में सत्ताधारी विधायकों के आवास के घेराव का निर्णय लिया था। इसी कड़ी में गिरिडीह विधायक निर्भय शाहबादी के आवास पर पंचायत सचिवों ने धरना दिया। यहां धरने की अध्यक्षता संघ के जिलाध्यक्ष अशोक गोप ने की। इस दौरान पंचायत सचिवों ने जोरदार रूप से नारेबाजी की और सरकार विरोधी नारे लगाए।
मौके पर पंचायत सचिवों ने विधायक निर्भय सहबादी को एक ज्ञापन सौंपते हुए इन्हें सरकार तक इनकी बात पहुंचाने का आग्रह किया। यहां ज्ञापन प्राप्त कर विधायक ने भी सभी को सकारात्मक आश्वासन दिया। मौके पर संघ के अनूप कुमार, अमर किशोर प्रसाद सिन्हा, रूपलाल महतो, तैयब अंसारी, यमुना हजाम, इंद्रजीत महतो, वशिष्ठ कुमार सिंह, रामशरण यादव, नागेश्वर राय आदि मौजूद थे। बहुत सारी बातें हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरा मैसेज वहाँ तक दिलाएंगे। तो मैसेज क्या, आप उम्मीद यही करते हैं कि आप मेरा मांग को भी आएंगे कि हमको भी सुना सकते हैं। और जहाँ तक बीएलएफ को मिल चुका है, राजस्व कर्मचारी को भी फाइल बढ़ चुका है। आज तहत में पंचायत सचिवों का एक दिवसीय भूख हड़ताल जो है धरना के रूप में हमारे आवासीय कार्यालय के बाहर किया गया। बहुत अनुशासनपूर्ण ढंग से और बहुत अच्छे ढंग से इन लोगों ने अपनी बात को रखने का काम किया, मुझे मेमोरेंडम देने का काम किया। मैं इस अवसर पर सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि इनकी जो बातें हैं जायज मांगों को लेकर के, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन गिरिडीह में 23 तारीख को हो रहा है, उस दिन भी और आगे भी इनकी बात को उचित प्लेटफॉर्म पर पहुँचाने का काम करके इनके साथ जो भी अन्याय हो रहा है वो अन्याय को समाप्त कराने का दिशा में मेरी ओर से भरपूर प्रयत्न होगा। हम यहाँ चार विधायक हैं गिरिडीह जिला में, चारों विधायक मिल करके इनकी आवाज़ को। जिला यक्ष्मा केंद्र गिरिडीह में यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप से टीबी मरीजों के बलगम जांच करने की विधि बताई गई। राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को जिला यक्ष्मा केंद्र गिरिडीह में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में CHC व DMC में कार्यरत STLS एवं लैब टेक्नीशियन को फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोप से बलगम जांच करने की विधि बताई गई। बताया गया कि LED माइक्रोस्कोप से बलगम जांच की गुणवत्ता में वृद्धि होगी तथा लैब टेक्नीशियन को TB मरीजों के बलगम का जांच करना आसान हो जाएगा। इस माइक्रोस्कोप से बलगम की जांच के लिए एक विशेष केमिकल का प्रयोग किया जाता है जिसमें TB के बैक्टीरिया ज्यादा स्पष्ट दिखाई देते हैं। इस जांच प्रक्रिया से TB मरीजों की खोज में आसानी होगी। यहां इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल, STLS अरविंद कुमार, लैब टेक्नीशियन रामाकांत बतौर प्रशिक्षक उपस्थित हुए। वहीं प्रशिक्षु के रूप में STLS धर्मेंद्र कुमार, विप्लव कुमार देव, अरुण कुमार सिंह, सुरेंद्र मुंडा, लैब टेक्नीशियन सागर दास, पंकज कुमार, चंद्रशेखर प्रसाद, पॉलिना सोरेन, जितेंद्र कुमार, रंजन कुमार, शंभू मेहता, प्रवीण कुमार, संतोष कुमार सिंह, रंजन कुमार, कमाल अफसर आदि उपस्थित हुए थे। दूर दराज से आए LT, DMC से आए LT और STLS को FA माइक्रोस्कोप के बारे में जानकारी दे रहे थे और अमाइन स्टेन के बारे में इन लोगों को बताया गया कि जो बैक्टीरिया है TB पे सिलाई है उसको कैसे स्टेन करते हैं और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में कैसे उसको हम लोग देखते हैं। इसी विषय वस्तु पे विस्तार से लोग हमारे बंधु लोग रोग है इसको 2025 तक इलिमिनेट करने का प्रोग्राम रखा गया है और उसको पूरा करने के लिए हम लोग ने जूझ स्तर पे ये काम करना शुरू कर दिया है कि TB 2025 तक इलिमिनेट हो जाए। अंत में नजर डालते हैं एक बार फिर से आज की हेडलाइंस पर। पीटर थाना पुलिस पर 3rd degree टॉर्चर का लगा है आरोप। अवैध शराब मामले में गिरफ्तार आरोपी के परिजनों ने दिया बयान, कहा पुलिस ने थाने में की है जमकर पिटाई, पूरे शरीर में दिख रहे हैं जख्म के निशान। गांवा थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला वीडियो हुआ है वायरल। भतीजी की हत्या करने वाले आरोपी के साथ हुई थी मॉब लिचिंग। घायल अवस्था में गिरफ्तारी के बाद चल रहा था उसका इलाज, इलाज के दौरान हो गई थी मौत। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भाजपाइयों में है खासा उत्साह। जिला अध्यक्ष, विधायक आदि ने बैठक कर तैयार की कार्यक्रम की रूपरेखा। इधर सांसद अन्नपूर्णा देवी ने भी बैठक कर बनाई रणनीति। आगामी 20 और 23 को होगा मुख्यमंत्री का गिरिडीह में कार्यक्रम। और
सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय में आयोजित हुआ जिला स्तरीय विज्ञान सेमिनार। बाल वैज्ञानिकों ने मनवाया अपनी प्रतिभा का लोहा। बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। उत्साह से भरे दिखे बच्चे। ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।